मुनाको, आज मैंने जाना है अपनी दोस्त के घर और हानी इसलिए मेरे साथ चिपक के बैठी हुई थी। पहली पहली लाइट मैंने उतार ली है यहाँ से। पूछ रही हूँ कि मोना कैसी है तैयारी एग्जाम की? टीचर ये भी शुक्र है अल्लाह का। टाइम हो रहा है तकरीबन 5:01 और मैं उठ गई हूँ और माशाल्लाह व्यू बहुत ही ज्यादा पुरसकून है। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। आमीन या रब। तो यहीं से मैं अपने व्लॉग का अपने दिन का आगाज करती हूँ और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आ रही है बाहर से परिंदों की और ये टाइम बहुत ही ज्यादा पुरसकून टाइम होता है। मेरी डेली रूटीन में होता है, यहाँ से मैं देखती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबको भी अच्छा लगता होगा, जो जो भी मुझसे एग्री करते हैं मुझे जरूर बताएगा। और इसके अलावा एक और बात कि मौसम जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है। गर्मी का तो कोई नामो निशान नहीं, हल्की हल्की होती है दोपहर के टाइम में, वो जैसे कि नॉर्मल भी होती है सर्दियों में होती है, तो उस तरह का मौसम बना हुआ है। माशाल्लाह मौसम बड़ा जबरदस्त है और ऐसा लगता है कि सर्दियां जाके फिर से सर्दियां लौट कर आ रही है, इतना अच्छा है। तो अभी भी यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी का मौसम है। तो जैसे वो सर्दी का मौसम होता है हल्का हल्का स्टार्ट होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है ना, वो वाली फीलिंग्स आती है, वो वाली वाइब्स आ रही है। तो चलिए व्लॉग का हो गया आगाज और देखते हैं कि क्या कुछ मैं आप सबके साथ आज शेयर कर पाती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, जैसे मैंने नमाज वगैरह पढ़ लिया तो अपने कामों में मैं लग गई हूँ। यहाँ पर मैंने रात को ना कुछ कपड़े जो है ना वो लगा लिए थे, उनको मैं अभी लेकर जा रही हूँ, जाके कबर्ड में रखती हूँ और बाकी अभी तक जो है ना वो थोड़े थोड़े गीले हैं। टाइम देखे हो रहा है 5:19 और ये मलाको उठ गई है और आते ही ना इसने अपने भैया को भी उठा दिया नींद से। क्या चाहिए मेरे बच्चे को, क्या हुआ? भैया को उठा दिया अपने नींद से। ये चाहिए मोबाइल चाहिए? हाँ चलो उठ जाओ, फजर की नमाज पढ़ लो, वैसे तो आप उठ गए जल्दी। इसको भी ले आओ साथ में, इसको भी पढ़वाओ। दुआ तो मांग रहे, तो भैया को दुआ नहीं मांगने देती बच्ची, जहाँ काम पहुँच जाती है उसके पास। मलाको इसे दुआ भी नहीं मांगने देने से कौन से दोबारा। 5 मिनट मैंने छोड़ दिया इसे इसकी मर्जी पे कि ये क्या करती है और इसने ये हाल कर दिया पूरे रूम का। ये देखें सारे इसने मेरी ये चादरें हैं, तमन्ना का अबाया, काफी सारी चीजें नीचे फेंकी। ये देखें ये टेबल का ये हाल किया इसने। क्या किया आपने? और मैं आई हूँ तो आगे से हंस रही है। मलाको क्या कुछ किया ये आपने, कितने नुकसान करते हो आप। पहले पहले ना रमजान में इसने ना कर्टन का ये हाल किया, देखे कर्टन मैंने यहाँ पर रख दिया इसकी वजह से, अब इसने ये हाल किया हुआ यहाँ पे। मलाको बहुत शरारती हो गई हो आप, क्या हो रहा है ये भी? ऐसे करके ना सब कुछ नीचे फेंक दोगी सब कुछ। चलो बाहर चलो, अभी बाहर चलो, शाबाश बाहर। आज उठो जल्दी से मम्मा के साथ सफाई करो, इतनी शरारती हो गई ना। मलाको आप कौन कौन सी चीज मम्मा आपसे छुपा के रखे? घर की सफाई हो गई है सारी अल्हम्दुलिल्लाह और मलाको भी मेरे साथ साथ ही थी सफाई के दौरान और हमने सफाई कर ली है। मैं सफाई करती जा रही हूँ और ये मेरे पीछे ना चीजों को बिखेरती जा रही है। किचन का भी थोड़ा बहुत रह गया, जैसे फजर की नमाज के बाद ना हर कोई हल्का फुल्का थोड़ा सा नाश्ता जैसे वो चाचू करते हैं और चाय बनती है, तो वो थोड़े से बर्तन है वो थोड़ी देर के बाद मैं अभी करूंगी। बाकी सारा शो रैक तक वहाँ पर मैंने सारा साफ कर लिया, इस साइड से भी ये वाला रूम भी साफ हो गया।
बाकी बच्चों वाला रूम भी साफ है। ये वाला जो मेरा रूम है ना, ये मेरे हस्बैंड उठेंगे और वो जाएंगे काम पे, उसके बाद मैं ये साफ करूंगी। आजकल हमारे घर में मक्खियाँ इतनी ज्यादा हो गई है ना, सिर्फ और सिर्फ इस नेट की वजह से। ये नेट ना हानिया से टूट गई थी, हानिया ने ऐसे जोर से पुश किया था तो वो नीचे गिर के टूट गई। तो ये मेरे हस्बैंड ने दूसरी विंडो के यहाँ पर लगा दिए, लेकिन ये देखिए हाफ लगी हुई। तो मैं कब से हस्बैंड को कह रही हूँ कि इसकी मेजरमेंट करें और जाकर ना इसके साइज की बनवा कर लेकर आए, क्योंकि जो गर्मी आ रही है, गर्मियों के मौसम में तो और भी ज्यादा फ्लाइज हो जाती है, तो जिससे नाश्ता करने में भी और भी काफी सारे कामों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें। आज मैंने जाना है अपने दोस्त के घर और हानिया इसलिए मेरे साथ चिपक के बैठी हुई थी, ये भी मुझे लेकर जाएंगे। तो मैंने इसे कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगी, मैं इतने टाइम बाद आज जा रही हूँ उसके पास, तो मैं आपका वहाँ पर जाऊंगी, काफी गपशप लगाऊंगी, उनके साथ बैठी रहूंगी। हानिया ने कहा कि मुझे भी साथ लेकर चलना। मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, साथ लेकर चलूंगी। हाँ, ऐसे कह रही हूँ, ठीक है, मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, लेके चलना है। इतना टाइम हो गया ना मैं अपनी दोस्त से नहीं मिली, काफी हमारी अच्छी फ्रेंडशिप थी, आपने काफी टाइम से मेरे घर पे भी नहीं देखा होगा। सच में अभी इतनी जिंदगी मसरूफ हो गई, इतनी मसरूफियत चल रही है ना, कि ऐसा लगता है कि रिश्ते वो रिश्ते नहीं रहे, वो दोस्तियाँ, हालांकि प्यार है हमारे दिलों में, दोस्तियों का जैसे होता है, दोस्त का हो गया, रिश्तों का हो गया, लेकिन पता नहीं चीजें वो नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ, हर चीज समझ से बाहर है। कल से ना मैं ये सोच रही थी, मैं कल जो कुछ भी हो ना, हमें इन चीजों के लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि जाहिर है जिंदगी को हम जितना भी अगर मसरूफ बनाते जाए तो जिंदगी हमारी मसरूफ बनती जाती है, कोशिश से ही सब कुछ हो पाता है। तो मैंने मैसेज भी किया है कि मेरे का मैंने मिलने आना है, तो मुझे कहने लगी मोस्ट वेलकम, और इंशाल्लाह आज मेरा पूरा इरादा है मेरा कि मैं उससे मिलने जाऊँ, बहुत दिल कर रहा है मेरा। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं रमजान में घर पे उन्हें इनवाइट करूंगी, बुलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बुला सकी। फिर ईद पे इरादा था, ईद पे नहीं मिल सकी, वो अभी कह रही फ्री होगी उन सारे कामों से। आज कौन से शूज पहन रही हो? ब्लैक वाले पहन के जाओ, अब आए नहीं पहनो, ठीक है, ऐसे ठीक है, उठ जाओ शाबाश। ऐसे मैं पहले अपने आपको जाके ठीक लेके आऊंगी, मैं गंदी लगनी होंगी मैं भी, क्योंकि मैं ये वाले पहन लूँ इसके साथ। अच्छा अच्छा ठीक है, उठ जाओ शाबाश, जल्दी करो। हेलो हेलो हेलो, गिलास पहन लो, अंदर जाके पहन के ले। नहीं पहन लेता है, बाय बाय। पहली पहली लाइट मैंने उतार ली है यहाँ से, कितनी प्यारी लगते हैं जब इनको ऑन करते हैं। सारी लाइट जितनी भी है ना, मैं यहाँ पर सारी जमा कर रही हूँ जो कि रमजान वाली थी। बटन मेरे पास मैंने पहले बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं मिला, तो ये वाला मैं ले आई, इसमें सारे जमा करके रखती है। देखिए मनाक ने क्या किया कि सारे स्टार और ये सारे उसके चाम थे ना, सारे से निकाल के यहाँ पे रख दी। सारे मैं चुन चुन के पूरे घर से लेकर आई हूँ कि सारे उनमें डाल के तो इसमें पैक करके रख देती हूँ, नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे काम आएंगे। और ये वाले भी अभी उतारती हूँ। मोना से अभी मैं बातें कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि मोना कैसी है तैयारी एग्जाम की, तो मुझे अभी इतना ये हंसा रही थी ना, टीचर ने क्या कहा इसको, मोना बताओ टीचर ने क्या कहा आपको। टीचर को कहा, टीचर आप मुझसे ना क्या एक्सपेक्ट कर रही है। टीचर ने मुझे कहा कि मत पूछो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तैयारी सही नहीं है। ऐसे मोना से पूछ रही हूँ मैं, क्या सूरत का हाल है, क्या कहाँ तक पहुँची हूँ, तो आगे से मुझे ऐसे बता रही कि टीचर ने मुझे ऐसे कहा कि मत पूछो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। इतनी मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये मेहनत करेंगे, और लास्ट टाइम भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरा दिल वाकई टूट गया, टीचर से टूट गया है, खुद से ही टूट गया, खुद से ही टूटा हुआ। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेकर आएगी। चलिए ये हो गया, बाकी ये वाली रह गई, एक सारी उतार ली है, बस ये एक लास्ट वाली रह गई, इसको उतारे, इसको उतार के बस इसको पैक करके तुरंत ताकि मुतमिन हो जाऊँ वहाँ के जो मेरी लाइट्स है ना वो सेव हो गई नेक्स्ट रमजान के लिए। उस वक्त वैसे बहुत खुशी होती है रमजान की शॉपिंग करने की, लेकिन क्या है कि इनको भी सेव कर लेते हैं और भी ज़्यादा हो जाएंगी ना लाइट्स। चलिए बस सेव हो गई सारी, पहले मैं इनके स्टार्स वगैरह लगा लेती हूँ। ये भी शुक्र है अल्लाह का, ये बच्ची सोई हुई है, अगर ये ना सोई होती ना तो बस फिर तो सारा काम हो जाना था। साथ देखती हूँ ये ना कि मैं पैक करके रख दूँ और बाद में पता चले कि सारी खराब है, वायरिंग निकली हुई है, इसलिए मैं चेक करके देख रही हूँ कि अगर सही है तो ही रखूँ। ये भी चल रही है, रखने से पहले मैं सबको देख रही हूँ, ये भी चल गई। अच्छा इसमें तो खैर नहीं है बैटरी, इसमें मैं दूसरी डाल के फिर चेक करती हूँ, और ये वाली ये भी चल गई। चलें बस अब इनको पैक करती हूँ मैं, और इनकी जो बैटरी है ना वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि पड़ी पड़ी जाहिर है मैं तो पैक करके रख रही हूँ और फिर ये ख़राब हो जाएंगी पड़ी पड़ी। तो मैं पहले पहले रखती हूँ मैं इसको, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, इसको हम रखते हैं फिर इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके, ये हो गया ऐसे।
सुनो, ये हमारी एक बहुत ही अच्छी और जबरदस्त सी सेलिंग हो गई है।